नमस्कार। कोरोना इस समय हमारे देश में कहर बरपा रहा है। इसके लक्षण क्या हैं और इसका घर पे रह के कैसे इलाज करें, इसके बारे में चंद अहम बिंदुओं को जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, इसके लक्षण क्या हैं। सबको मालूम है कि यह बुखार से प्रेजेंट करता है, लेकिन इस समय कई लोगों में पहला सिम्टम बुखार नहीं होता है। नाक बहना, आंख लाल हो जाना, गले में खराश होना, जुकाम जैसे सिम्टम होना, हेडेक होना, बॉडी एक होना या बदन टूटा टूटा सा लगना, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रैशेस पर जाना, इस तरह के भिन्न भिन्न सिम्टम्स से इस समय ये कोविड शुरू हो रहा है। और कुछ लोगों में बाद में बुखार आता है, कुछ लोगों में बहुत हल्का सा आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहां इतना मैसिव इन्फेक्शन कम्युनिटी में है, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको हो तो वो कोरोना है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। अब इनमें से कोई भी सिम्टम होने की स्थिति में क्या करें, आइडियली हमको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि इस समय कई जगह आरटीपीसीआर टेस्ट अवेलेबल नहीं है या उसके लिए वेटिंग लिस्ट है, और आप करा भी लें तो कई जगह तीन तीन चार चार दिन में रिपोर्ट आ रही है। तो जब तक आप रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्या करें। सबसे अहम बिंदु इस समय यह है कि कोई भी सजेस्टिव सिम्टम अगर है जो मैंने एन्यूमरेट किए इनमें से, तो आप रिपोर्ट का वेट न करें, तुरंत उसको कोरोना मान के अपने को क्वारंटाइन करें। इस समय जो 3.5-4 लाख के लेवल पे हमारा इन्फेक्शन जा रहा है, उसको रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि हर सस्पेक्टेड व्यक्ति टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले अपने को क्वारंटाइन कर ले। अगर आपने ऐसा नहीं किया और 4-5 दिन तक आप अपने को नेगेटिव मान के घूमते रहे कि जब पॉजिटिव डिक्लेयर होगा तब मैं क्वारंटाइन करूंगा, तो उस बीच में आप अपने घर के और अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन दे चुके होंगे। इसलिए बहुत अहम बिंदु है कि सस्पिशियस सिम्टम होते ही अपने को क्वारंटाइन करें। उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई तो आप कोरोना हैं, लेकिन अगर नेगेटिव भी आई तो सिम्टम्स को हम इस समय कोरोना मान के ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि 30-35% केसेस में रिपोर्ट नेगेटिव आती है और आजकल शायद ये नंबर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसलिए सिम्टम्स आर कोरोना, पॉजिटिव रिपोर्ट है तो ठीक है, नेगेटिव है तब भी हम उसको कोरोना ट्रीट करेंगे। अब आया ट्रीटमेंट पार्ट, तो इसमें 90% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जिसका होम ट्रीटमेंट हो सकता है। मगर मैं बता दूं कि होम ट्रीटमेंट का मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है। होम ट्रीटमेंट का मतलब है घर में रहकर के डॉक्टर की निगरानी में ट्रीटमेंट। आपका फैमिली डॉक्टर हो, आपके आसपास के डॉक्टर हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, प्राइवेट हो, जो भी हो, आप टेली कंसल्टेशन करिए, उनसे टेलीफोन पर एडवाइस लीजिए और उसको घर में रहकर फॉलो करिए। यह बहुत अहम बिंदु है, सेल्फ ट्रीटमेंट कृपया ना करें। अब मैं आपको कुछ चंद बिंदु ट्रीटमेंट के बता देता हूं, जिसमें हम 6M अप्रोच जिसको कहते हैं। 6M क्या क्या है? पहला M है मिक्सिंग, यानी कि मिक्सिंग ना करें। दूसरा M मेडिसिन के बारे में। तीसरा एम है मॉनिटरिंग अपनी कैसे करें। चौथा एम है मील्स के बारे में। पांचवा एम है माइंडसेट एंड एक्टिविटीज। और छठा एम है मूवमेंट टुवर्ड्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कब जाने की जरूरत है। इन छहों एम को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, मगर मैं दोबारा कह दूं कि यह केवल एक आपकी सहायता के लिए है, कृपया इसको फाइनल डॉक्टर्स एडवाइस ना माने, आप किसी ना किसी डॉक्टर से टेली कंसल्ट जरूर करें होम ट्रीटमेंट करते समय। पहला मिक्सिंग, जैसा कि मैंने कहा, सस्पिशियस सिम्टम आते ही अपने को घर वालों से अलग करें, उनके साथ मिक्स ना करें, नहीं तो आप उनको भी इन्फेक्ट करेंगे। अगर आपके घर में कई कमरे हैं तो एक कमरा जिसमें अटैच्ड बाथरूम है वो आप चुनिए, उसके अंदर अपने को बंद कर लीजिए, जो दरवाजा बाकी घर की तरफ खुलता है उसको बंद कर दीजिए। अगर उस कमरे में बाहर में खुलने वाली खिड़कियां हैं तो उनको खोल दीजिए, बाथरूम का एग्जॉस्ट ऑन कर दीजिए, इससे आपके सांस से निकलने वाली जितनी भी हवा है, जो एरोसॉल है,
वो घर की तरफ जाने की जगह वो बाहर चला जाएगा और घर वालों को संक्रमण का चांस कम हो जाएगा। जो आपका खाना पीना वगैरह आना है वो कमरे के बाहर एक स्टूल रख दीजिए और उस स्टूल पे वो खाना रख देंगे और हट जाएंगे वहां से। आप अच्छी तरह मास्क लगा के दरवाजा थोड़ा सा खोलिए, वो खाना उठा के अंदर ले लीजिए और फिर दरवाजे को बंद कर दीजिए। इससे आप दूसरे लोगों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। अब अगर आपके कमरे में, घर में थोड़े से कमरे हैं, तो स्पेशली अगर आपके घर में वृद्ध दादी बाबा नानी नाना ऐसे लोग हैं, तो उनको अगर संभव हो तो किसी दूसरे घर में भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप उसी कमरे में उन लोगों के साथ रहे तो उनको संक्रमण जरूर हो जाएगा। तो जैसे भी हो अपने को क्वारंटाइन करें, अपने को आइसोलेट करें और घर वालों के साथ मिक्सिंग ना करें। इससे हम कोरोना के चेन को, संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे। ये था पहला बिंदु, मिक्सिंग। दूसरी बात आई मेडिसिंस की, मेडिसिंस क्या क्या लें। तो जो मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बुखार को रोकने वाली पैरासिटामोल। बुखार हल्का भी हो सकता है और 102, 103, 104 तक भी हो सकता है, बीच बीच में आएगा जाएगा ऐसा भी हो सकता है और कंटिन्यूस हाई भी हो सकता है। बुखार से हमारा शरीर एकदम टूट जाता है और उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम 650 मिलीग्राम पैरासिटामोल को 6-6 घंटे पर लेने के लिए कहते हैं, जिससे प्रायः बुखार उतर जाता है। अगर इसके बाद भी बुखार ना उतरे तो हमें बीच में फिर कोल्ड स्पंजिंग यानी कि ठंडे पानी की पट्टियां हाथ पे और पैर पे और माथे पे रख के बुखार को उतारना बहुत जरूरी होता है। सबसे ज़रूरी दवा इस कोविड की पैरासिटामोल है। अब उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और बाकी सारी चीज़ें वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में अवश्य वो लिखी होंगी, लेकिन मैं ये बता दूं कि उनसे कोई पहाड़ चेंज नहीं आने वाला। ज़रूर लीजिए, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, वो भी ज़्यादातर लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि रिसर्च में माइल्ड सिम्टोमेटिक केसेस में उनके देने या ना देने से आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आप ले लें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उनसे गैस्ट्राइटिस वगैरह काफ़ी होती है। माइल्ड केस में अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है पैरासिटामोल। अगर आपको गले में खराश वगैरह है तो कोई एंटी एलर्जिक भी लेते हैं, और अगर डायरिया वगैरह है तो उसके लिए भी, नौशिया वगैरह है तो उसके लिए भी टैबलेट्स हैं। मैं टैबलेट्स का नाम यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो ये बता दें, वो उसके लिए आपको लिख देंगे। तो ये तो थी मेडिसिन। कुछ और मेडिसिन भी दी जा रही हैं, आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह है। मैं दोबारा कह दूं कि किसी भी रिसर्च में इन मेडिसिन से आउटकम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तीसरा अहम बिंदु है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कई चीज़ों की करनी है। एक, हमने अपना टेम्परेचर 4-4 घंटे पे मॉनिटर करना है। बेटर होगा कि अगर आप उसका चार्ट बना लें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग है हमारी ऑक्सीजन की, जिसमें कि एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है, जिसमें अंदर आप देखेंगे ऑन करके तो एक तरफ रेड लाइट आती है, वो रेड लाइट नाखून की तरफ होना चाहिए और उसको आप प्रॉपरली अंदर डाल दें और डाल करके उसको 1-2 मिनट वेट करें। उसमें एक वेव फॉर्म आता है, जब वो वेव फॉर्म स्टेबलाइज हो जाए रेगुलर, तब जो रीडिंग आती है वो फाइनल रीडिंग होती है। बीच में एक आध रीडिंग अगर लो आ जाए तो उससे घबराएं नहीं। और ऑक्सीजन और हार्ट रेट दो चीज़ वो दिखाता है। ऑक्सीजन हमारी 94 से ऊपर होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 100 हो, 95, 96, 97 जो है 94 के ऊपर नॉर्मल है, उसको ज़रूर मॉनिटर करें। अगर आपकी 94 से नीचे कभी भी आती है तो वो एक डेंजरस साइन है और हमें उस पर तुरंत उसका संज्ञान लेना है। तो एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेंगे आप, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर आपको डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये भी नॉ मॉनिटरिंग करेंगे कि कितना आपका फ्लूइड लॉस हो रहा है, क्योंकि उससे आपको डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी होती है। और आप ये भी देखेंगे, रिलेटिव्स को देखना चाहिए कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और उनको कहीं बहुत सीवियर फीवर वगैरह की वजह से एग्जॉशन तो नहीं हो रहा है और एक्सेसिव कॉफ वगैरह तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों की हम मॉनिटरिंग करेंगे। पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रेस्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप टट्टी पेशाब भी बिस्तर पे करेंगे। आप
रेस्ट करिए, लेकिन बीच बीच में उठिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, हाथ को ऐसे ऊपर किया, नीचे किया, शोल्डर को थोड़ा सा मूव किया, चेस्ट को थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा सा बिस्तर के आसपास चल लिए, टॉयलेट तक गए, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट आपका जरूर होना चाहिए। बहुत अहम बिंदु है मील्स का। लोग बुखार होते ही खाना पीना बंद कर देते हैं या तरह तरह की जंक चीज़ें खाने लग जाते हैं। सबसे अहम चीज़ है आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, लो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट। फैट यानी कि जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं और खासकर से जो बाज़ार से आने वाले जंक फूड्स हैं, कृपया उनको पूर्णतः अवॉइड करें। कार्बोहाइड्रेट यानी कि पेस्ट्री और इस तरह की जो मीठी चीज़ें हैं वो भी जहाँ तक संभव हो कम से कम मात्रा में लें। आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन किस में मिलेगा? नॉन वेज फूड में प्रोटीन होता है, लेकिन उसको कम से कम घी में बनाएं। एग्स में प्रोटीन होता है, वेजिटेरियंस के लिए पनीर में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन का आटा का रोटी बना लें, सोयाबीन की किसी भी तरह की प्रिपरेशन ले लें, इन सब में प्रोटीन होता है। फ्रूट्स को, फ्रेश फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। फ्रेश फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, जो कैंड जूसेस वगैरह बाजार से आते हैं उनको जहाँ तक संभव हो अवॉइड करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर में, आधे आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें, ताकि पेट में कुछ ना कुछ खाना पहुंचता रहे, जिससे गैस्ट्राइटिस कम होती है। पानी की मात्रा यानी पीने वाली यानी लिक्विड्स की मात्रा 24 घंटे में 2.5 लीटर से ऊपर होना चाहिए। अनलेस कि आपको किडनी की या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे हैं तो अलग बात है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो आपको 2.5-3 लीटर फ्लूइड जरूर लेना है, जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये हुई हमारी मील्स की बात। बहुत अहम बिंदु है हमारा माइंडसेट और हम कैसा सोच रहे हैं। इस समय पूरा देश एक पैनिक की स्थिति में है, हर घर इसकी वजह से टेंस है। मैं आपको बता दूं कि जब हम पैनिक्ड होते हैं, टेंस होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में बहुत सारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन उनमें से एक है। उस समय हमारे शरीर की स्थिति ऐसे ही होती है जैसे कि गाड़ी को आप फर्स्ट गियर में जब स्टार्ट करें। आप इमेजिन करिए, अगर आप किसी गाड़ी को फर्स्ट गियर में स्टार्ट करके 100 किलोमीटर ले जाएं तो इंजन का क्या हाल होगा। तो उसी तरह से अगर आप अपने को टेंस रख के कई दिन तक रखेंगे तो सोचिए शरीर पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, हमारे बॉडी की इन्फेक्शन को लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो कृपया अपने को रिलैक्स करिए, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए, योगा वगैरह करना चाहें तो वो करिए, और माइंड सेट पॉजिटिव करिए कि दिस शैल ऑल्सो गेट ओवर। यह समय भी निकल जाएगा, यह समय भी निकल जाएगा। जिस भी भगवान या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उसकी प्रार्थना करिए, थोड़ा सा पूजा पाठ करिए, रिलेटिव से बातें करिए, कुछ न्यूज़पेपर पढ़िए, जो म्यूजिक आपको पसंद है वो सुनिए, लेकिन ध्यान को डाइवर्ट करके अपने को पैनिक नहीं रखना है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी रिकवरी फास्टर होगी, और अगर आप बिल्कुल पैनिक और टेंस मोड में रहेंगे तो आप अपने को मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ पुश कर रहे हैं। अब आखिरी बिंदु आया कि रेड फ्लैग यानी डेंजर साइंस क्या क्या हैं और किस स्थिति में हमें होम केयर को अबैंडन करके अस्पताल भागने की जरूरत है। कभी भी अगर आपका ऑक्सीजन 94 से कम आ रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल को संपर्क करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप 93 आया तो पैनिक करके भागें। अगर 94 से कम हो रहा है तो अस्पताल में बेड अरेंज कराने की प्रक्रिया शुरू करा दें। अगर कम होता है तो उस समय सेल्फ प्रोनिंग हम तुरंत कर सकते हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक हम इसके वीडियो के अंत में डाल देंगे कि सेल्फ प्रोनिंग कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन कम होने की स्थिति में सेल्फ प्रोनिंग करिए, और उसके बाद ऑक्सीजन अगर घर में हो सकती है तो उसका इंतजाम करिए, और इन द मीन टाइम आप अस्पताल जाने की प्रक्रिया शुरू करिए। ऑक्सीजन कम होना, कंटिन्यूस फीवर, एक्सेसिव कॉफिंग, एग्जॉशन, सीवियर डायरिया और ऑल्टरेशन इन सेंसोरियम, तो ये 6 रेड फ्लैग साइंस यानी खतरे के लक्षण हैं। इनमें से कोई भी अगर दिखता है तो आप
होम आइसोलेशन को अबैंडन करके आपको तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत है। तो ये हमने कुछ चंद उपाय बताए हैं, लेकिन अंत में मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो डॉक्टर की एडवाइस या रिप्लेसमेंट नहीं है, ये केवल आपकी मदद के लिए है। होम आइसोलेशन का मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं है, होम आइसोलेशन का मतलब है किसी डॉक्टर की टेली कंसल्टेशन के अंडर में घर में स्वयं ट्रीटमेंट। इसमें बताई गई बातें आपको होम ट्रीटमेंट में थोड़ा सा मदद करेंगी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।